बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं? अच्छा, कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। ये वो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कमेंट्स और चीज़ें आ रही हैं। हालांकि मैंने कल वाली लाइव सेशन में ये बात एक्सप्लेन की थी कि मैंने ये बताया था कि नोटिफिकेशन का क्या मतलब है। नोटिफिकेशन के एक एक पॉइंट का मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट आई एम गोना एक्सप्लेन इट अगेन वन बाई वन, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है कि टेस्ट कौन लेगा, कैसे लेगा, क्या टेस्ट जो है वो जो लेगा तो एक मिनट टेस्ट जो लेगा तो क्या टेस्ट लेने के बाद क्या होगा वगैरह वगैरह। दूसरी बात है कि टेस्ट प्रोविंस बनाएगा या पीएमसी बनाएगा, अगर प्रोविंस बनाएगा तो कैसे बनाएगा, और अगर पीएमसी टेस्ट बनाएगा तो पीएमसी कैसे बनाएगा वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम गोना एक्सप्लेन इट नाउ इन हियर। मैं नोटिफिकेशन की तरफ जा रहा हूँ और आपको एक एक पॉइंट डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एंड यू शुड बी विद मी। इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स मोर, बट यस, यू शुड बी विद मी। अच्छा, पहला जो है एम डी कैट विल बी हेल्ड ऑन 13 नवंबर। भाई इसमें तो कोई क्लियर कट बात है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई 13 नवंबर को टेस्ट होगा और एक ही दिन होगा, एक टेस्ट होगा। याद रखना पूरे पाकिस्तान के अंदर एक टेस्ट होगा। कल मैंने आपको ये बात क्लियर कट बताई थी, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, ये जो नोटिफिकेशन है, ये पीएमसी की तरफ से है, ना कि पीएमडीसी की तरफ से है। पहला पॉइंट ये भाई पीएमसी की तरफ से है, टेस्ट एक होगा। मुझे बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक सुबह टेस्ट बना के दे दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, पीएमसी की सूरत में जब वो पुरानी टीम थी तो ठीक थी, अब ये जो नई टीम आई है वो करप्शन के लिए और एक्स्ट्रा फेवर्स हासिल करने के लिए और एक माफिया बनाने के लिए ये काम कर रही है। हालांकि उनको ज़रूरत ही नहीं है, एक टेस्ट बनाएं और पूरे पाकिस्तान को दे दें, एंड दैट्स ऑल। अब ये कर रही है कि भाई केएमसी, केएमयू, UHS, डॉ बोलान और जो भी हैं वो सारे जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सब पेपर बनाएंगे, पेपर वो लाएंगे, पेपर बना के उनको शफल करेंगे या उनमें से देखेंगे जो बेहतर है। वैसे उन्होंने सिंध को देना नहीं है, वैसे उन्होंने बलूचिस्तान को देना नहीं है, KPK को देना नहीं है, या UHS वाला पेपर उठाएंगे और शायद या सिंध वाला उठाएंगे, क्योंकि साहब तो आजकल सिंध के हैं तो सिंध वालों की तो मर्जी है, जो चाहते हैं वही होता है, और हर जगह पर सिंध को पहले लिखा होता है। मैं सिंध के ख़िलाफ़ नहीं भाई, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जनाब ये होगा। एनीवेज, दूसरा पॉइंट ये है कि जनाब कौन कौन टेस्ट लेगा, तो बोलान है, खैबर है, डव है, एंड शहीद बिन इज़्ज़त। दूसरा है परसेंटेज, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, परसेंटेज वाली बात वही है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्जाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटीज़ विल डिसाइड ऑन द मॉडलिटीज़। ये मॉडलिटीज़ मैंने बताया था आपको भाई कि वो टेस्ट खुद कंडक्ट कर रहे हैं, KMU वाले हैं खुद कंडक्ट कर रहे हैं, UHS वाले खुद कंडक्ट कर रहे हैं, या वो किसी और को दे रहे हैं, या जैसे सिंध वाले हैं डॉ बोलान खुद कर रहे हैं, या NTS को दे रहे हैं, या ईटा को दे रहे हैं, या किस को। कंडक्टिंग बॉडीज विल बी डिसाइडेड बाई द यूनिवर्सिटीज़। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, ये जो उन्होंने बताया है वही है। फोर्थ है MDCAT एग्जाम विल बी पेपर बेस्ड। जी बिल्कुल, ये ठीक है। And the answer key of the papers will be uploaded by, यार इसके बाद लोगों ने इतनी गलत, भाई मेरा तो दिल करता है मैं उनको कहूँ कि यार ये तुम लोग क्या करते हो, कसम से इतने लोगों ने गलत चीज़ें जो 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 प्रोपेगेंडीज किए हैं कि पेपर बनाएगा यहाँ पर KMU बना के वो देगा, यहाँ पर बनाएगा UHS, वो सबको देगा, फिर उसके बाद वो बनाएगा हर सुबह अपना बनाएगा, अपनी किताबें फॉलो करो, अपनी चीज़ें फॉलो करो। वट द हेल इज़ रॉन्ग विद यू पीपल? ये छोटी सी थोड़ी सी व्यूज़ के लिए, ये थोड़ी सी फैम हासिल करने के लिए आप दिमाग लोगों का ख़राब कर देते हैं। आप वहाँ करते हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैसेज करके हर एक को बताना पड़ता है भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यार यू आर जस्ट डिस्कस्टिंग पीपल। कभी कभी मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन उनके लिए है अल्फाज कि भाई 2 लाख लोगों का दिमाग आप ख़राब करते हैं, यहाँ पर 2 लाख के साथ 2 लाख टीचर्स का दिमाग ख़राब करते हैं आप। हर बंदे ने अपना पेज बनाया है फजूल तरीन, वो यार मैं नाम मुझे याद है जो 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 पेजेस ने ये शेयर किया है ऑनलाइन, उन्होंने भी शेयर किया है। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू पीपल? लाइक व्हाई वुड यू वांट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स? ये वो टाइम है कि आप स्टूडेंट के दिमाग को शांत रखें, उनको आप सुकून रिलैक्स करें। भाई पोस्ट कितना बड़ा पोस्ट क्या है कि गो एंड प्रिपेयर योर फ्रॉम योर बुक्स। व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू? और सिंध वाले में मैंने देखा, वो KPK वाले में देखा, वो पंजाब में भी मैंने देखा। What the hell is wrong? Where, कहां पर लिखा है कि KMU टेस्ट बनाएगा? कहां पर लिखा है बोलान अपना टेस्ट बनाएगा और वही लेगा? किसने बनाया है कि भाई शहीद उल्फ़क लेगा और अपना ही टेस्ट लेगा? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये आपको गलत कर रहे हैं, याद रखना। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो पेजेस वाले हैं, चाहे वो अकेडमीज वाले हैं, चाहे वो जो भी है, वो आपको गलत कर रहे हैं।
भाई यू शुड बी अगेंस्ट देम. मैंने आपको हजार बार कहा है कि यार मैं आपको एक बात बताऊं, दैट इज फाइनल. आपने कभी भी इन फजूल लोगों के पीछे नहीं जाना है. उन्होंने क्या करना है, एक कमरे में बैठे हैं भाई, उन्होंने इंग्लिश तो उनकी आती नहीं है, खुद इंजीनियरिंग की है या कोई स्टूडेंट है मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में, जाके क्या करते हैं वो देख, ओ अपना मतलब निकाल के सबको बताते हैं. सेट और गेट और नेट और जेट और पता नहीं किस किस के एमसीक्यूज उठा के और मेरी किताब के एमसीक्यूज उठा के और वो टेस्ट देते हैं. लोग समझते हैं भाई ये है एमडी कैट की फादर. ऐसा नहीं है, सख्त अल्फाज में इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इस्तेमाल करता हूँ भाई, दिस टाइम इज नॉट टू इंडल्ज द स्टूडेंट्स इन सच काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स. भाई बात क्या है, पीएमसी का एक टेस्ट है, एक टेस्ट है, तमाम बुक्स में है, पूरे पाकिस्तान के अंदर है, एक ही दिन होगा, एक ही टेस्ट होगा, आंसर की एक ही होगी, सब की एक होगी, एंड दैट्स ऑल. सब क्लियर हो गया. मैं इस सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई मेरा आपको लग रहा हो मेरा गला ख़राब है, ये क्लासेस ले लेके और वो लेके और हर बच्चे को समझा समझा के. भाई मैं हर बंदे को समझाता हूँ तो देखो मैं उनके अंदर का वो जो इस्तराब है, वो दर्द है, वो मैं वो फील करता हूँ, वो मैं महसूस करता हूँ. आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फैम हासिल करने के लिए कि लोग ये लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाई, हमारा नाम हो जाए, इसके लिए क्या फजूल बकवास करते रहते हैं. इसको फजूल बकवास कहते हैं. I'm telling you these words, why? Because ये 2 लाख पीपल हैं, 2 लाख के साथ उनके माँ बाप वगैरह सब मिला के तो 5-6 लाख ये बन जाते हैं. हम टीचर्स हैं, वो हर देखो I'm connected with too many students, you know, like in thousands of the students, मतलब ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप में, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें, पेजेस में, ये जो यूट्यूब है, यहाँ पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मेरे इंस्टाग्राम पे सुदय स्टार्ट पी के पे कितने मैसेज आ रहे होते हैं डेली. मैं मैसेज के रिप्लाई कर करके थक जाता हूँ एंड जल्दी से वॉइस कर लेता हूँ या सबको कॉपी पेस्ट कर करके मार लेता हूँ. एनीवेज क्वेश्चन ये है भाई, आपने कहीं नहीं जाना, यू डोंट नीड टू गो टू एनी अदर सोर्सेज. मैंने आपको बताया टेस्ट एक है, जो आप पीएमडीसी कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं. कोई पीएमडीसी अभी तक आया नहीं है. पीएमडीसी अब जाके ऊपर से देखिए, स्टेटमेंट है, ये नोटिफिकेशन है, लिखा है पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन. ये वही कमीशन है जो पहले बना था. ये जो अभी ये जो लल्लू शल्लू बैठे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया. दे आर नॉट गोना डू एनीथिंग, राइट. हाँ, पेपर ये है कि उसमें सिर्फ अपने हर सूबे का वो हासिल करने के लिए कि भाई ये सुबह उनका वो क्या कहते हैं उसको यार, फेवर हासिल करने, नहीं वो जो भी लफ्ज़ है मैं भूल गया हूँ, ये गुस्से में अक्सर मैं चीज़ें भूल जाता हूँ. तो ये हासिल करने के लिए क्या कहते हैं उसको, आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा कि हासिल करने के लिए क्या करते हैं कि उन्होंने ये किया. मैंने आपको पहले भी कहा यार एक माफिया है, इनका और कोई काम नहीं है. आप मुझे बताइए इतने टाइम फ्रेमवर्क में उन्होंने क्या किया, क्या किया, लाइक व्हाट डिड दे डू. वो जितने भी हॉल्स उन्होंने बुक की थी पीएमसी ने, उन सबको ख़राब किया, ठीक है. एक व्हाट डिड दे डू, द न्यू थिंग, व्हाट इज द न्यू थिंग, नथिंग ना, कुछ भी नया नहीं है, एवरीथिंग इज द ओल्डर. सिर्फ ये है कि भाई हर यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया कि भाई तुम भी टेस्ट बनाओ, तुम भी टेस्ट, इनको खुश करने के लिए ऑनेस्टली. फिर जाके आखिर में अपना ही एक टेस्ट दे देंगे, भाई ये टेस्ट लो, ये एक्चुअली सबसे कम्बाइन है वगैरह वगैरह. तो ये पॉइंट है, ठीक है. इसमें और कुछ नहीं है. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा भी गुस्सा बनता है और आपका भी बनता है. मैं आपके साथ कंसर्न हूँ भाई, स्टूडेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन की तरह है. एंड आई एम लाइक, आप खुश तो मैं खुश, आप खफा तो मैं खफा, ठीक है, व्हाटएवर दैट इज. मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ. इजाज़त दीजिए, अल्लाह.